बालेश्वर जिला खैरा को एनएसी दाबी नहीं खैरा स्वाभिमान मंच तरफ गणधारणा आरंभ होई जे पर्यंत खैरा को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एनएसी घोषणा न करिछंति सेतेदिन पर्यंत स्वाभिमान मंच गणधारणा जारी रखिबो बोली सभापति प्रशांत कुमार बेहेरा एवं संपादक मानस कुमार महापात्र गणमाध्यम आगरे प्रकाश करिछंति। आज केवल दस घटिकारु अपराह्न एक घटिका पर्यंत धारणा जारी रही आसंताकाली अर्थात सात तारिखर आंदोलनकारी संख्या बहु मात्रा रे बढ़िबो बोली आंदोलनकारी माने प्रकाश करिछंति। यदि सरकार एथिप्रति गुरुत्व न दियंती आगामी दिन में ए गणधारणा तीव्र आकार धारण करिबो एहा द्वारा जदि अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हुए सेथिपाई सरकार दायी रहिबे आहुरी अधिकरु अधिक मंच और संगठन एथिरे शामिल हेबे बोली प्रतिश्रुति देइछंति। समस्तंकर गोटिए दाबी खैरा को एनएसी घोषणा खैरा सिमुलिया ब्लॉक को नहीं सिमुलिया निर्वाचन मंडली गठित सिमुलिया ब्लॉक 22 टी पंचायत को नहीं गठित होता बेले खैरा ब्लॉक 37 टी पंचायत को गठित बड़ दुखर कथा मान्यवर विधायक ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही सिमुलिया को एनएसी घोषणा करिबारे सक्षम हेले अथच खैरा को घोषणा करिबारे सक्षम हेले नि यार कारण कौन कहीं अवहेला खैरा एमती अनेक प्रश्न अंकी मारुची खैरा जनसाधारण आसुची साधारण निर्वाचन देखा बाकी रहा जनसाधारण कौन विचार करुछंती गोविंद चंद्र पंडा संतोष कुमार विश्वाल जगतानंद महापात्र वेणुधर राउत अनाथ चरण पंडा निरंजन परिडा संतोष कुमार साहू जन्मजय शतपथी मुक्तिकांत शतपथी रत्नाकर विश्वाल एवं अंतरा पंचायत लक्ष्मीधर महापात्र समेत अन्य माने उपस्थित थे। तो आपण माने भी सेदिन आसीथिले गत 28 तारीख रे बुधवार दिन आमर बणिक संघ नागरिक वरिष्ठ नागरिक मंच आपणकर स्वाभिमान मंच तरफ डाकरा दिया जाए मान अभूतपूर्व सफलता लाभ करते बम को तापरवर्त 29 तारीख रू आम प्रतीक धारणा निष्पत्ति स्वाभिमान मंच तरफ किंतु हठात आम को गोटे न्यूज आसला जे आम प्रस्तुत परवर्त प्रस्तुति बेले आम गोटे खबर आसला जे ना आम विधायक कहते 5 तारीख पर्यंत आपण प्रतीक धारणा को बंद रखत आम 5 तारीख दिन आमको एनएससी डिक्लेयर करेबे आपन तापाई मीठा के बांटिबे तो आम अपेक्षा विश्वास को नहीं आज बहुत बहुत बड़ भूल करिछु आज या भितर 7 दिन बीती जाइछि तो 7 दिन बीती जाइले मध्य काली सुधा कोनोसी से माने आमको खबर न दबारु आमर जहाँ स्वाभिमान मंचर विगत निष्पत्ति जहाँ थिला से को आम आज आरंभ कलु ए गणधारणा लागि रहिबो बालेश्वर लक्ष्मीधर प्रधान रिपोर्ट ए1 ओडिशा।